ओम शांति। सत्युग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, फिर वाम मार्ग में जाने से कम होता गया, खुशी भी कम होती गई, कुछ ना कुछ विकर्म होते गए। उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती हैं, सतो प्रधान सतो रजो तमो की स्टेजेस होती है ना, सतो से रजो में आते हैं तो ऐसे नहीं फट से आ जाते, धीरे धीरे धीरे, माना इस तरह से होते हैं, ऐसे नहीं कि एकदम सतो से रजो में आ गए, धीरे धीरे उसकी माना ऐसे हल्की 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 कलाएं कम होती जाती है, कोई ना कोई ऐसे माना धीरे धीरे, जैसे एकदम से तो अवगुण आपके अंदर आया नहीं, एकदम से तो संशय आपके अंदर आया नहीं, धीरे धीरे कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई बात आप अंदर जैसे रख लेते हो रख लेते हो रख लेते हो रख लेते, जैसे धीरे 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 ऐसे कोई ना कोई आत्मा को ऐसे ग्रहण, धीरे धीरे हल्का हल्का हल्का, नहीं जैसे उतरती कला चंद्रमा की भी एक ही दिन से थोड़ा हो जाती है, नहीं कोई ना कोई बात वो धीरे धीरे बैठती जाती है बैठती जाती है, फिर धीरे धीरे पता लगे एक लकीर जैसी बची है बस, मेरा वापसी शुरू होने लगेगी, फिर धीरे धीरे, माना इस चीज को आपको समझना होगा कि आप जब तमो प्रधान भी होते हो तो उसमें भी स्टेजेस होती हैं, तमो प्रधानता की भी स्टेजेस होती हैं, सतो रजो तमो, माना तमो प्रधानता एकदम लास्ट तक आते आते भी उसकी भी थोड़ी सी स्टेजेस होती हैं। जैसे पहले के मनुष्यों में बात करने का वो, जैसे उनको ये था कि कुछ कह दिया हमने तो उसको तो निभाना पड़ेगा भाई, आज तो पता नहीं कितना कुछ कह दे, कहीं नहीं हमें नहीं पता, हमें नहीं निभाना किसी के साथ, तो वो जो हमारे कहने का या कुछ भी करने के तरीके जो है ना, तमो प्रधान हो चुके हैं समय। तो बाबा यही कह रहे हैं कि तमो प्रधानता में भी आहिस्ते आहिस्ते उतरते हो, उसमें भी सतो रजो तमो स्टेजेस आएंगे। कुछ बात समझ में, कि तमो प्रधानता की भी सतो रजो तमो स्टेजेस होती हैं, माना एकदम टू मच तमो प्रधानता जो आप देख रहे हो चारों तरफ आज की कंडीशन जो है, और जब तमो प्रधानता आई तो उसमें भी सतो रजो तमो माना उनकी स्टेजेस हैं, माना एक चीज ने ऐसे जर्जरी भूत होना है, एक ने एकदम ही हो जाना कि इसने टिकना ही नहीं है बिल्कुल भी, ऐसी स्टेजेस होती है हमारे गिरने की, माना इस तरह की स्टेजेस होती है। और जब बाबा आते हैं और हमने ये समझ लिया कि ये देखो हमारे साथ ऐसा हुआ, अब हमें फट से ऊपर चढ़ना है, तो जो भगवान कहे वो हम अगर धारण करते हैं तो फट से ऊपर चढ़ते हैं, तो हमारे अंदर कई परिवर्तन होते हैं, फिर वो हमें देखने होते हैं। ओके क्लियर, तो फट से तमो प्रधान नहीं होंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हैं, माना आपने एक सीढ़ी उतरी फिर दो उतरी फिर तीन उतरी फिर चार उतरी, फिर ऐसे उतरते 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 जब लास्ट तक आके पहुंचे अच्छा इतनी सारी उतर ली, माना इस तरह से स्टेजेस होती हैं। तो कला कम होती है, अभी जंप लगाना है। अगर आप ये सोच लो मैं तो हूं ही ऐसी, मैं तो ऐसा ही है, मेरे तो वो है, तो फिर नहीं चढ़ सकते भाई, क्योंकि अभी जो ये मैं हूं ही ऐसी मैं ऐसा ही है, ये शरीर से संबंधित है, दे अभिमान है आपको। और अगर आत्मा की स्टेजेस को देखोगे तो आपको फट से याद आएगा कि आत्मा की सतो प्रधान अवस्था क्या थी, मुझे उसको कैच करना है, क्योंकि मैं उस स्टेज पर थी कभी, अभी मुझे वापस जाना है वहां तक। तो आप ऐसा सोचोगे, जो ऐसा बोलते मैं तो हुई ऐसी मेरे तो ऐसा ही है मैं तो कुछ नहीं कर सकती, तो आप समझ लो ये टू मच दे अभिमान में है आत्मा, ये आत्मा समझ ही नहीं रही अपने आप, कि आत्मा समझते ही हमें हमारी वो स्टेज याद आने लगती है जो ओरिजिनल होती है, हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मेहनत है ये उसको समझ में आती। क्लियर, ओम शांति।